प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 6 इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4y, x6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें एक शब्द है समांतर चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज? तो समांतर चतुर्भुज की जितनी भी विशेषताएं होती है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। प्रश्न आपसे हल तभी होगा जब आप समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते होंगे। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं, पहली विशेषता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। मैंने यहाँ समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना दिया। विशेषता करी कि आमने सामने की, मतलब इसके सामने की भुजा ये हो गई, इसके सामने की ये हो गई, इसके सामने की भुजा ये हो गई। आमने सामने की भुजा बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। बराबर का मतलब है कि यदि AD की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो फिर BC भी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये तो हो गई बराबर। और समांतर का मतलब क्या है? समांतर का मतलब है कि इनके बीच का जो अंतर है, देखो इस शब्द को ध्यान से समझो, समांतर, समांतर यानी समान प्लस अंतर। क्या है? समान प्लस अंतर। समांतर का मतलब है समान प्लस अंतर, यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वही यहाँ से यहाँ तक का है, वही यहाँ से यहाँ तक का है, समान अंतर है। यानी ये जो गैप है ये समान है, चाहे ये यूँ बढ़े चाहे यूँ बढ़े। जैसे जो रेल की पटरियाँ होती है, इस तरह से रेल की पटरियाँ होती है ना, तो इनके बीच का जो गैप है ना वो हर पॉइंट पे समान होता है। तो रेल की पटरियों का हम कह सकते हैं कि ये समांतर है, समान अंतर है इनके बीच का हर जगह पे, स्टेशन में, बीच में, सब जगह पर। ठीक है, तो दोनों शब्दों को अच्छे से समझ गए। बराबर और समांतर का क्या मतलब है? वापस बता रहा हूँ, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। ठीक है ना, ये भुजा इसके बराबर और समांतर हो गई, ये भुजा और ये भुजा बराबर और समांतर हो गई, मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान रहेगा। विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं, दूसरी विशेषता। विकर्ण का मतलब है आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण। आमने सामने के शीर्षों को मिला दिया तो ये AC हमारा क्या हो गया? विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। ऐसे ही ये भी हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दिया, ये विकर्ण हो गया। कितने विकर्ण हो गए? विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं। इस पॉइंट पर ये काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ कोई बिंदु हम P दे देते हैं, तो ये एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं, मतलब BD का मध्य बिंदु P हो गया। सम द्विभाजित, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और भाजित मतलब भाग। समान दो भागों में विभाजित करते हैं, सम द्विभाजित का मतलब। तो पूरा विकर्ण अब दो भागों में बट गया। अगर DP की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो फिर BP की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर हो गई, ये मतलब हो गया। ठीक है ना, AC भी सम द्विभाजित हो गया, यानी जितनी लंबाई AP की है उतनी ही CP की रहेगी। ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब कोण कहाँ बन रहे हैं? शीर्षों पर बन रहे हैं। इसका मतलब एंगल A और एंगल C आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये 60 डिग्री का है तो फिर ये भी 60 डिग्री का, ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, चौथी विशेषता, विकर्ण आमने सामने के कोण को सम द्विभाजित करते हैं। विकर्ण आमने सामने के कोण को, जैसे ये कोण है, ये कोण आमने सामने का है, तो जितना इधर का है उतना ही इधर का है, जितना इधर का है उतना ही इधर का है, ये विकर्ण हो गया, ये कोण भी बराबर होंगे। ठीक है ना, सम द्विभाजित का मतलब जैसे सपोज करो ये पूरा अगर 60 डिग्री का है तो ये विकर्ण 30 इधर और 30 इधर, यानी कोण को सम द्विभाजित कर देगा। तो हमारे लिए इस प्रश्न के लिए जो काम आएगा वो दूसरी विशेषता काम आएगी, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? सम द्विभाजित करते हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा। ये विशेषताएं मैंने सिर्फ आपको याद रखने के लिए बताई है, प्रश्न में आपको नहीं लिखनी कि भाई इस प्रश्न के माध्यम से आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी हो जाए। तो देखो, तो हमने क्या किया कि ये जो हमें निर्देशांक दे रखे थे ये क्रम वाइज दे रखे थे। प्रश्न में कहा कि इसी क्रम में लेने पर, अगर इधर से लेते हो तो यूँ लेना है, इधर से लेते हो तो फिर यूँ लेना है। ऐसा नहीं है कि इस बिंदु को उठा के यहाँ डाल दिया और इसको यहाँ डाल दिया, क्रम से ही लेना है। इसके बाद ये 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 या इधर लोगे तो ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ठीक है। उसके निर्देशांक हमने यहाँ लिख लिए। तो मैंने लिख दिया कि माना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु ए के निर्देशांक ये हो गए, बिंदु बी के ये हो गए, सी के ये हो गए, डी के ये हो गए। अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब विकर्ण एसी का मध्य बिंदु कौन हो गया, विकर्ण एसी का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक बराबर, आप लंबी लिख देना, मेरे पास उधर जगह नहीं है इसलिए बराबर के बाद का मैटर में यहां लिख रहा हूं, विकर्ण बी डी के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, क्योंकि विकर्ण अलग अलग है लेकिन मध्य बिंदु एक ही है, और क्या नाम है उसका, पी है। तो इन दोनों का इस विकर्ण यानी इस विकर्ण एसी का मध्य बिंदु भी पी है और विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु भी पी है, इसका मतलब पी के निर्देशांक बराबर है। तो एक पी के निर्देशांक तो हमें विकर्ण एसी से मिलेंगे, एक पी के निर्देशांक हमें विकर्ण बी डी से मिलेंगे, और ये दोनों बराबर है, ठीक है ना, यहाँ बराबर नहीं लिखना, बराबर। अब मुझे बताओ विकर्ण एसी का मध्य बिंदु कैसे निकालोगे। मध्य बिंदु का निकालने का सूत्र होता है हमेशा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू को जोड़ के दो का भाग दे देते हैं, कोमा वाई वन प्लस वाई टू को जोड़ के दो का भाग दे देते, यानी दोनों एक्स को जोड़ के आधा कर देते हैं, दोनों वाई को जोड़ के आधा कर देते हैं। अब किसका निकाल रहे हैं, विकर्ण एसी का, तो विकर्ण एसी ये रहा, इसके बिंदु ये हैं, तो इसको और ये पहला मान एक्स का होता है ना, तो वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स बटे दो, और फिर दो प्लस छः, दोनों वाई को जोड़ दिया ना, बटे दो, बराबर अब किसका, विकर्ण बी डी का, तो दोनों एक्स को जोड़ेंगे तो दोनों एक्स क्या है, चार प्लस तीन बटे दो, और वाई वन प्लस वाई टू यानी पाँच वाई प्लस पाँच बटे दो, ये विकर्ण एसी का मध्य बिंदु हो गया, ये विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु हो गया, दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखो, एक हमारा अचर है, एक्स हमारा चर है, तो अचर और चर जुड़ेंगे नहीं, तो ये तो एज इट इज आ जाएंगे, ये तो दोनों ही अचर है तो जुड़ सकते हैं, तो छः और दो कितने हो गए, आठ, आठ बटा दो मतलब चार, ये भी जुड़ जाएंगे, सात बटा दो नहीं कट रहे तो एज इट इज लिख लिया, नहीं जुड़ेंगे तो वाई प्लस पाँच बटा दो, ठीक है ना। अब ये दोनों निर्देशांक आपस में क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये x हो गया पहला मान, ये y हो गया, इधर इसमें ये x हो गया ये y हो गया, तो x को x के बराबर करेंगे, y को y के बराबर करेंगे, अतः 1 प्लस x, इस निर्देशांक का x मान ये हो गया, उस निर्देशांक का x मान ये हो गया, तथा इस निर्देशांक का y मान 4 है और इधर कौन है, बराबर कर लिया आपस में। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ भी बट्टे में दो है, इधर भी बट्टे में दो है, चाहे तो यहीं काट दो, चाहो तो दो को उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो नीचे के दो से ऊपर दो का कट जाएगा, तो यहीं काट दो, तो कितना हो गया, वन प्लस एक्स बराबर सात, तथा ये दो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा भाग में उधर, तो एक्स बराबर यहाँ से कितना आया,
वन इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो सात माइनस एक तथा ये क्या हो गया आठ बराबर वाई प्लस पाँच। तो एक्स बराबर तो कितना आया छः, तथा अब देखो वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये पाँच इधर आ जाएगा बराबर में, उधर वाई रहेगा, वाई को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो आठ माइनस पाँच तीन, तो वाई का मान तो ये हो गया, एक्स का मान ये हो गया, और यही आपके क्या हो गए आंसर हो गए। क्या पूछ रहा था, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, तो एक्स का मान छः हो गया, वाई का मान तीन हो गया, ये आंसर आ गया। तो ऐसा ही आपके क्या है एक उदाहरण भी है, कौन सा उदाहरण बताना जरा देख के, दसवां उदाहरण। तो छठा प्रश्न और दसवां उदाहरण दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों में से कोई भी एक परीक्षा में आ सकता है, काफ़ी बार आया हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से विशेषताओं के साथ में और चित्र को समझा के मैंने सारा सब कुछ आपको बता दिया है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी के। चलो आ गया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू।